अगर एयरफोर्स ज्वाइन करना है तो फौजी बनकर दिखाओ, वरना घर जाकर बेलन चलाओ। पायलट बनना है। लड़कियाँ पायलट नहीं बनती। देखो प्लेन लड़का उड़ाए या लड़की, दोनों को पायलट ही बोलते हैं। देखो जी बचपना छोड़ दे, ठीक है? तू पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, फिर देखेंगे बाद। दादा आपने आर्मी ज्वाइन किया ना, सिर्फ मैं पायलट नहीं बन सकती। पायलट तो बन कर रहेगी। आप मेरी तरफ है कि उसकी? मैं, हम तो इस तरफ है। बेटा जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। चांद पे चढ़ जा, उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दे परी। कुर्सी की पेटी बांध ले, टेक ऑफ का टाइम आ गया है। तैयार हो जाओ जवानों, उधमपुर बेस में बदलाव आने वाला है। गुंजन सक्सेना, कमांडिंग ऑफिसर पहले पहुंचता है, तुम लेट। सर वो ओवरऑल चेंज करने की जगह हर बैग पे चेंज कर लेती। बहुत ढूंढा मैंने लेकिन लेडीज टॉयलेट मिला नहीं, क्योंकि लेडीज टॉयलेट है ही नहीं। क्यों सर? क्योंकि ये जगह लेडीज के लिए बनी ही नहीं है। आपको क्या प्रॉब्लम है मुझसे सर? जानना चाहती हो क्या प्रॉब्लम है? सेट अप गो। इसमें क्या दिख रहा है? एयरफोर्स ऑफिसर्स, 10 एयरफोर्स ऑफिसर्स और एक लड़की। फिर से ये बेकार पायलट की जरूरत ना एयरफोर्स को है ना मेरी यूनिट को। फिर से तुम कमजोर हो गुंजन, और डिफेंस में कमजोरी के लिए कोई जगह नहीं। बस एक बात कहनी थी पापा, मैं आपको कभी हारने नहीं दूंगी। तुम कारगिल जा रही हो, इस वक्त देश को अपने बेस्ट पायलट्स की जरूरत है। जय हिंद। जय हिंद सर। रिटर्न बैक टू बेस एट वंस, इट्स वेरी रिस्की, तुमसे नहीं होगा गुंजन।